जय हिंद दोस्तों। अभी देखिए पाइल का बोरिंग चल रहा है। ये देखिए ये जो पंप चल रहा है, ये पंप से वो जो बेंटोनाइट का टैंक है वही से आ रहा है। ये देखिए पाइप से प्रेशर से वो जो और एक पाइप लगा हुआ है वो नीचे का तरफ पानी को भेज रहा है, और उसका आगे में एक त्रिभुज ट्रायंगल जैसे एक काटने वाला लगा है, तो घूम घूम के पानी प्रेशर में नीचे जाता है, और वो घूम घूम के ये लोग घुमाता है जितना वो नीचे घूमता है, वो मिट्टी को काट के पानी क्या वॉश आउट करके ये बाहर निकाल देता है, फिर ये टैंक में जाता है। ये DMC प्रोसेस है, पाइलिंग का DMC प्रोसेस है। तो ये पाइलिंग का DMC प्रोसेस में आदमी ज़्यादा लगता है, और इसीलिए थोड़ा मुश्किल भी है, ये लोग कर भी रहा है आराम से। और ये जो पानी है इसमें बेंटोनाइट मिला हुआ है, तो बेंटोनाइट क्यों मिलाता है, क्योंकि ये जो खोद रहा है नीचे में क्या है, मिट्टी है क्या, हार्ड है या सॉफ्ट है वो तो मालूम नहीं है, तो वो मिट्टी को रोकने के लिए ज़्यादा कलप्स ना हो इसके चलते इसको बेंटोनाइट मिला देता है। तो यही प्रोसेस है। इसका 3 टांग है, इसके ऊपर से एकदम चक्की लगा है उसके ऊपर, फिर ये ख़त्म हो गया और एक पाइप लगाएगा, फिर ऊपर बढ़ाएगा, देखिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब। ये जैसे केसिंग है, ये देखिए केसिंग है, ये वाला सब केसिंग है, एकदम टॉप में रहता है। तो ये केसिंग का नीचे से ये ट्रिमी पाइप है, ट्रिमी पाइप डाल देगा और ये रहेगा, उसके बाद हम लोग ये पाइप से ढलाई आएगा माल, बस पाइप ढलाई करेगा कट ऑफ लेवल तक, ऐसे कंटिन्यू चलते रहेगा। जो कट ऑफ लेवल तक नहीं, उससे ज़्यादा ही करेगा, 1 मीटर ज़्यादा करना है, क्योंकि जो वेस्टेज मटेरियल है पाइल का वो क्या होता है, ख़राब जितना सामान है सब ऊपर आ जाता है, नीचे से हम लोग टीमी पाइप से नीचे डालते ऊपर आता है, तो ऊपर का तरफ थोड़ा ख़राब माल आ जाता है, इसीलिए ज़्यादा हम लोग 1 मीटर ज़्यादा ही ढलाई करता है, बाद में 1 मीटर चिपिंग करके कट ऑफ लेवल तक चिपिंग कर देता है। ये है वेस्टेज है, मतलब कट ऑफ लेवल से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग चिपिंग करके कट ऑफ लेवल निकालेगा। ये देखिए ये सरिया है, इससे 1 मीटर डाउन जाएगा, एकदम फ्रेश कंक्रीट मिलेगा तब, ये सब खराब कंक्रीट है, तो इसीलिए हम लोग 1 मीटर ज़्यादा करके इसको ढलाई करते हैं। ये देखिए ये सब खराब कंक्रीट सब तोड़ के निकाल देगा चिपिंग करके, चिपिंग भी कर देगा, तो एकदम फ्रेश कंक्रीट जब मिल जाएगा कट ऑफ लेवल तक, उसके बाद ही हम लोग इसका ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा उसका सरिया लगा पाएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों, और भी वीडियो लेके आएगा, आप लोग जुड़ा रहिए पाइलिंग के बारे में।